अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। आई होप सो यू ऑल आर फाइन एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, आज की जो हमारी रेमेडी है वो है हेयर प्रोटीन मास्क फॉर विंटर सीज़न। सो ये जो मास्क है ये विंटर सीज़न के लिए मैंने अपने हेयर्स पे अप्लाई करना स्टार्ट किया था और मुझे इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। सो मैंने इसकी रेमेडी भी आप लोगों के साथ शेयर कर ली। सोचा कि क्यों ना जो मुझे इसके अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं वो आप लोग भी अपने हेयर्स पर इसको अप्लाई करके देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। सो ये जो हेयर मास्क है ये हमारे हेयर्स को जो है शाइन, स्मूथ एंड डैंड्रफ फ्री करेगा। एंड जिनकी सर्दियों में हो जाती है हेयर फॉलिंग की स्पीड अप, तो ये इसको डाउन करेगा। सो जल्दी से जाएं आप इसकी जो फुल रेमेडी है उसको आप देख लें और देन आपने इसको अप्लाई करना है और देखना है कि आपको इसके रिजल्ट्स कैसे लगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए इसके रिजल्ट्स। तो जल्दी से जाएं और वीडियो को वॉच कर लीजिए। सो गाइस, आज की जो रेमेडी है वो है हमारी हेयर मास्क। मैं आप लोगों के साथ आज DIY हेयर प्रोटीन मास्क शेयर करने वाली हूँ। ये जो है हमारे हेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि इसको मैंने पर्सनली 3 to 4 times यूज़ किया है, अपने हेयर्स पे अप्लाई कर रहा है और मुझे इसके रिज़ल्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया जाए क्योंकि अभी विंटर सीज़न आ चुका है तो बहुत सारी गर्ल्स के साथ और बहुत सारे बॉयज़ के साथ भी ये इशू आता है कि विंटर सीज़न में जो है हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और डैंड्रफ हो जाता है हमारे हेयर्स पे और फ्रीजी हो जाते हैं हमारे हेयर्स और मतलब बेरुखे बेजान अजीब से हो जाते हैं सर्दियों के मौसम में, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हमारे जो हेयर की स्किल्प पे जो ऑयलिंग हो रही होती है नॉर्मल डेज़ में तो विंटर सीज़न में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसके लिए हमें सर्दियों में अपने बालों के और ज़्यादा केयर करते हैं, जैसे हम अपने आप की खुद केयर करते हैं, मीन के विंटर में स्वेटर्स वगैरह पहनना और मीन के अपने आप को जैसे हम सर्दी से बचाते हैं तो वैसे हमें अपने हेयर्स की भी सर्दियों में वैसे ही हिफाजत करनी होती है। तो ये जो मास्क है ये हेल्प करेगा आपके हेयर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो जो जो मैंने चीज़ें यहाँ पे ली हैं वो आप लोगों के सामने हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग हैं। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है एग। तो हम यहाँ पे फुल एग यूज़ करने वाले हैं और आप लोगों को पता है कि एग जो है हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, ये हमारे हेयर्स की शाइन वापस लाने में एंड स्मूथ करने में एंड डैंड्रफ को दूर करने में हेल्प करेगा एग। और यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल। आप यहाँ पे कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो आपके हेयर्स पर सूट करता हो या आप यूज़ करते हो, कोकोनट ऑयल हो या ऑलिव ऑयल हो या कोई भी जो आप यूज़ करते हो ऑयल, वो वाला ऑयल आप यहाँ पे ले सकते हैं। एंड थर्ड चीज़ यहाँ पे मैंने जो ली है वो यहाँ पे मैंने ली है मायोनीस। मायोनीस जो है वो हमारे हेयर्स के डैंड्रफ को रिमूव करने में हेल्प करेगा एंड हमारे हेयर्स की जो बहुत ज़्यादा फ्रीजीनेस होती है उसको स्मूथ करेगा एंड जो डैंड्रफ हो रही है उसको डैंड्रफ को रिमूव करने में हेल्प करेगा। और यहाँ पे मैंने लिया है ये कंडीशनर क्योंकि मैं ये वाला कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे कोई भी कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रेसेमी यूज़ किया है तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि जो मैंने यूज़ किया है वही आप यूज़ कीजिए। आप अपने जो आप लोगों के हेयर्स पर सूट करता है, जो आप अपने बालों पर अप्लाई कर रहे हैं आप वही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली ये यूज़ कर रही हूँ। अभी मैंने रिसेंटली जो है वो अपना शैम्पू एंड कंडीशनर चेंज किया है। मैं 2 months के बाद अपना शैम्पू एंड कंडीशनर चेंज कर देती हूँ बिकॉज़ के रिज़ल्ट चेक करने के लिए कि कौन सा शैम्पू है जो सूट कर रहा है। तो अभी तक जितने भी मैंने शैम्पू चेंज किए हैं, फर्स्ट मैंने पहले वाटिका यूज़ किया था, उसके बाद मैंने
और उसके बाद मैंने पामोलिव यूज़ किया था, लेकिन मुझे उनके रिजल्ट्स जो हैं वो इतने ख़ास नहीं लगे जितने मुझे ट्रेसिमी के अच्छे लगे। इसका भी रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। इसको भी मैंने काफ़ी यूज़ किया है, शैम्पू एंड कंडीशनर, और उसके जो कंडीशनर के रिज़ल्ट हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आपने यहाँ पे ये वाला यूज़ करना है या जो भी आप यूज़ कर सकते हैं, मीन के मैं तो अभी ये यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा कि स्मूथर शाइनी हेयर 100%। तो वाकई इससे होते हैं स्मूथ। तो अब हमने क्या करना है, बस हमने इन सब चीज़ों को जो है वो मिक्सअप कर लेना है। तो मैं मिक्स करके आती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने जस्ट एग, मायोनीज एंड ऑयल मिक्स किया है, और अब यहाँ पे मैं कंडीशनर भी जो है वो यहाँ पे मैं मिक्स कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने कंडीशनर भी जो है वो इसमें ऐड कर लिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको इतना अच्छे से मिक्सअप किया है कि ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। और बिल्कुल रेडीमेड जो हम जमीन के जो हम बाज़ार से हेयर मास्क परचेज़ करके आते हैं, बाय करके आते हैं, ये बिल्कुल वैसे फॉर्म में आ चुके हैं। और हाँ, यहाँ पे आप इसमें एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं, और विटामिन ई के जो इम्यून के कैप्सूल्स होते हैं वो भी आप यहाँ पे एक, अगर आपके पास 200 mg है तो आप इसमें 2 कैप्सूल्स यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास 400 mg है तो आप इसमें 1 कैप्सूल वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं जो मीन के वैसे अप्लाई करती थी उसमें मैं यूज़ कर रही थी, लेकिन अभी जो है वो मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं कैप्सूल, तो इसमें मैंने ऐड नहीं किया। वैसे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा ना डालने से भी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने एग यूज़ कर लिया है जो हमारे हेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस, ये मास्क जो है वो ये रेडी हो चुका है। बस अब आपने इनको अपने हेयर्स पे अप्लाई करना है, और 30 मिनट्स के लिए या 1 आवर्स के लिए आपने इसको अपने हेयर्स पर लगे रहने देना है, और उसके बाद आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपको कंडीशनर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ इसी मास्क से बहुत ज़्यादा शाइन करने लग जाएंगे। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने एग यूज़ किया है तो इसमें एग की स्मेल आने लग जाएगी, तो कोई स्मेल नहीं आने वाली इसमें से, क्योंकि हमने इसमें कंडीशनर यूज़ कर लिया है। कंडीशनर की अपनी बहुत ज़्यादा मीन कि इसमें स्मेल होती है, तो वो मतलब, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसमें कोई ऐसा ऑयल यूज़ कर लें, मीन के जैसे टी ट्री ऑयल है उसके फ्यू ड्रॉप्स इसमें आप ऐड कर लें, तो एग की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो बस ये थी मेरी आज की रेमेडी। आप लोगों ने इसको यूज़ करना है अपने हेयर्स पर, और देन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये कैसा लगा। लेकिन आपको जो रिज़ल्ट हैं वो फ़र्स्ट अप्लाई में ही मिल जाएंगे, लेकिन आपने इसको वीक में एटलीस्ट 2 बार अप्लाई करना है, 2 टाइम्स अप्लाई करना है। सो अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा।